पिछले करीब 9 महीनों से कोरोना महामारी के चलते देश भर की अदालतें बंद हैं, जिसके चलते न्याय मिलना और भी लंबित हो गया है। आपको बता दें कि हिंदुस्तान की अदालतें न्याय में देरी और खर्चीली होने के चलते पहले ही सुर्खियों में रहती हैं। ऊपर से कोरोना काल के चलते पिछले 9 माह से बंद अदालतें उन लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई हैं जो कि जल्द न्याय की चाह में हैं। अदालतों के बंद होने के कारण उन लोगों को परेशानी हो रही है जो कि न्यायपालिका से उचित और जल्द न्याय की गुहार लगा रहे हैं। आपको बता दें कि कोरोना के चलते शुरुआती 2 से 3 माह तक कोई भी केस फाइल नहीं किया गया। अब मौजूदा समय में केस तो फाइल किए जा रहे हैं, लेकिन जो तारीख पर तारीख मिल रही है वह काफी लंबी है। इन सब बातों के लिए समाचार एक्सप्रेस की टीम ने करनाल के बार कॉम्प्लेक्स में कुछ वकीलों से बात की। उन्होंने इस बात पर सहमति जताई कि अब लोगों को न्याय के लिए और लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। इसके अलावा आधुनिक समय में पति पत्नी के बीच मतभेद के बढ़ते मामलों को लेकर उन्होंने चिंता जाहिर की। उन्होंने मतभेदों के बढ़ने का सबसे बड़ा कारण अहम बताया, क्योंकि आज के समय में कोई भी अपने अहम के आगे झुकने को तैयार नहीं है। आलम यह है कि लगातार ऐसे मामले बढ़ते जा रहे हैं। वकीलों ने यह भी जानकारी दी कि मौजूदा समय में अब परिवारों में ना तो एकजुटता है और ना ही वो संस्कार जो पहले लोगों में होते थे। इसके अलावा पति पत्नी के झगड़ों में सबसे ज्यादा प्रभावित उनके बच्चे होते हैं, इसलिए दंपति को चाहिए कि वह एक दूसरे को समझें। इसके अलावा लड़का और लड़की के परिवार को चाहिए कि वह समय की अहमियत को समझें और अपने बच्चों का साथ दे, और वहीं बच्चों से भी यही आशा है कि वह अपने परिवार को तथा अपने माता पिता को साथ लेकर चले, ताकि ऐसी नौबत ना आए कि उन्हें कोर्ट कचहरियों के चक्कर काटने पड़े। करनाल से तरुण मदान की रिपोर्ट। दोस्तों, मैं हूं तरुण मदान और आप इस समय देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। में आपको बता दूं कि मैं मौजूद हूं करनाल के सेक्टर 12 स्थित जिला कोर्ट के वकीलों के चैम्बर में। मैं आपको बता दूं कि पिछले 9 महीने से जो कोर्ट चल बंद हैं महामारी के कारण, कोरोना काल के कारण, लॉकडाउन के दौरान सभी कोर्टें बंद रही। इसका जब भी कोरोना ख़त्म हो जाएगा या फिर कोर्ट दोबारा से चालू हो जाएंगे, इसका वकीलों पर क्या असर पड़ेगा? जो केसेस अंडर ट्रायल हैं, जो केसेस चल रहे हैं, इन पर क्या असर पड़ेगा? और जिन्होंने केस दायर कर रखे हैं उनको क्या मुसीबतों का, क्या परेशानियों का सामना करना पड़ेगा? इन सब बातों की जानकारी देने के लिए आज मेरे साथ वकीलों का पैनल मौजूद है। मेरे साथ मौजूद हैं करनाल के वरिष्ठ अधिवक्ता जगदीश चावला जी, करनाल बार एसोसिएशन के 3 बार प्रधान रह चुके हैं निर्मलजीत सिंह जी, और इसके अलावा प्रदीप संदूजा जी। मैं सबसे पहले बात करूंगा डॉक्टर जगदीश चावला जी। सर, सबसे पहले आपका समाचार एक्सप्रेस में स्वागत है। थैंक यू सर। मैं ये जानना चाह रहा था कि 9 महीने से पूरे भारत में कोरोना काल के चलते कोर्ट बंद पड़े हैं, ऐसे में जो केस हैं वो लंबित हो रहे हैं, केस आ भी रहे होंगे कुछ ना कुछ, उनको दायर भी करना पड़ा होगा, ऐसे में आपको क्या आने वाले जब कोरोना ख़त्म हो जाएगा या लोग ये कोर्ट दोबारा से चालू हो जाएंगे, किन परेशानियों का आपको सामना करना पड़ सकता है? हमारी न्यायिक व्यवस्था पहले ही बड़े लंबित मुकदमों के बारे में बदनाम है। जहाँ तक भारत का सवाल है, यहाँ एक बात प्रसिद्ध है कि यहाँ मुकदमेबाजी बहुत खर्चीली है, एक्सपेंसिव है और लंबी चलती है। इस कोरोना काल के कारण शुरू में 2-3 महीने तक तो कोई नई फाइलिंग नहीं हुई, उसके बाद कहीं ना कहीं ढील दी गई कि आप ये केसेस दायर कर सकते हो, परंतु उसके भी आगे समनिंग नहीं होती। इसका आने वाले समय में क्या इफेक्ट होगा? एक तो पिछला जो बल्क पड़ा है वो हो जाएगा, और ये जो इन दिनों फाइलिंग होगी ये सब इकट्ठे हो जाएंगे और मुकदमे और लंबे चलेंगे, और जिनको न्याय मिलना है उनको न्याय में बहुत देरी होगी। देखिए, इन्होंने स्पष्ट किया कि हिंदुस्तान के अंदर पहले ही न्याय व्यवस्था इस बात के लिए बदनाम है कि यहाँ पर जो न्याय पाने की जो इच्छा रखने वाले हैं उनको बहुत ही खर्चीली स्थिति का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा न्याय मिलने में कई सालों का समय लग जाता है, ऐसे में जो पिछले 9 महीनों से कोर्ट बंद पड़े हैं, जो पिछले केस हैं वो भी आगे ट्रांसफ़र हो जाएंगे, और जो मौजूदा समय में केसेस आ रहे हैं वो भी इनके ऊपर बर्डन है। सर, जिन्होंने केस दायर कर रखे हैं उनकी मनोस्थिति के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनकी मनोस्थिति पर क्या फ़र्क पड़ेगा इससे? जहाँ तक मेरी निजी राय है कि कोर्टों को इतना अरसा बाद अब कोर्टों को मतलब सुचारू रूप से चालू कर देना चाहिए। जहाँ हिंदुस्तान में बिहार में लाखों की रैलियों में चुनाव हुए हैं,
इतने इतने बड़े किसान आंदोलन हो रहा है, इतनी रैलियां हो रही हैं, तो कोर्ट खोलने में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वहाँ प्रिकॉशंस ज़रूर लें, मास्क का है, डिस्टेंस है, उसको किया जाए, परंतु कोर्ट का काम सुचारू रूप से चालू कर देना चाहिए और इस पर आम आदमी ही इसको सफ़र करेगा। ये अपनी निजी राय है कि अगर रैलियां हो सकती हैं बड़े चुनावों के दौरान, बड़ी बड़ी रैलियां हो सकती हैं, तो ऐसे में कोर्टों को भी सुचारू रूप से खोल देना चाहिए। हाँ, प्रिकॉशंस जरूर लेने चाहिए कि जो भी सरकारी गाइडलाइंस है कोरोना के बचाव को लेकर, उन गाइडलाइंस का पालन करके कोर्ट को सुचारू रूप से कर देना चाहिए, ताकि आम आदमी जिसकी कि मनोस्थिति विकट हो जाती है ऐसी स्थिति में, क्योंकि उसको न्याय पाने में देरी का सामना करना पड़ रहा है। पहले ही कई साल लग जाते थे, अब तकरीबन एक साल होने को आ रहा है, 9 महीने तो ऑलरेडी हो चुके हैं जिसे कोर्ट बंद है, ऐसे में उनको और ज़्यादा परेशानियों का सामना करना। मैं बात करता हूँ निर्मल जी से, जो पिछले तीन बार यहाँ पर करनाल बार एसोसिएशन के वकील प्रधान रह चुके हैं। निर्मल जी, आप इस विषय में क्या कहना? मेरा कहना है कि इसमें कोर्टें जल्दी खुलनी चाहिए, ताकि अपना जो क्लाइंट है उनको अपना उचित न्याय मिल सके, और उसी उम्मीद में वो कोर्ट में आते हैं कि हमें समय पर न्याय मिलेगा। और जितनी देरी होती जाएगी उतना न्याय, मतलब मेरे को नहीं लगता, क्यों केसेज चावला जी ने बताया पहले ही केसेज जितने हैं पेंडिंग है, और अब और ज़्यादा पेंडेंसी उनमें ज़्यादा आ जाएगी, तो इससे उचित न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि एकदम बर्डन कोर्टों के ऊपर भी इतना होगा, एडवोकेट्स के ऊपर भी इतना होगा, तो उसमें जहाँ बर्डन ज़्यादा होगा तो वहाँ न्याय की कोई उम्मीद कम है। इन्होंने भी स्पष्ट कर दिया कि जहाँ पर बर्डन ज़्यादा होगा, क्योंकि जब भी कोरोना काल खत्म होगा, जब भी कोर्ट सुचारू रूप से चालू हो जाएंगे, तो जो केसेस की संख्या लगातार बढ़ती जाएगी, जिससे कोर्टों के ऊपर और अधिक बोझ पड़ेगा। ऐसे में आम आदमी के लिए, जो कि न्याय पाने के लिए कोर्टों के चक्कर लगा रहा है, उसे न्याय पाने में और भी देरी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इनकी भी यही अपील है, इनकी भी अपनी निजी राय है कि गाइडलाइंस को अपनाकर कोर्ट को सुचारू रूप से चालू कर देना चाहिए। जो मौजूदा समय में जो कि पारिवारिक कलह के मामले लगातार बढ़ते आ रहे हैं, अब मैं अपने सहयोगी प्रीति से बात करूँगा, उनको बताऊँगा, उनको कहूँगा कि वो इस बारे में जगदीश चावला जी से और निर्मल जी से विस्तार से बातचीत करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस, मैं हूँ आपके साथ प्रीति काद्यान। वकीलों से हम बात कर रहे थे, तो आगे हम अपनी बातचीत को बढ़ाएंगे। मैं पूछना चाहूँगी सर आपसे कि ये जो अभी कोर्ट बंद और ये इतने जो मामले आ रहे हैं, इनके क्या कारण हैं? मामले तो पहले भी आते थे, अब भी आने थे, रुके हुए थे, मामले तो फाइल होने थे, परंतु शुरू में इन्होंने पाबंदी लगाई थी कि केसेस फाइल लॉकडाउन में नहीं होंगे, अब इन्होंने ढील दी है ऐसा ऐसा, तो एकदम केसेस फाइल हो रहे हैं। तो अभी आपको लगता है कि पहले से ज़्यादा केसेस अब आ रहे हैं, क्योंकि बीच में बंद भी था, अभी आप ही ने बताया? स्वाभाविक है, जब पहले बंद थे तो इकट्ठे आएंगे, फिर फाइलिंग हो रही है, काफ़ी फाइलिंग हो रही है, परंतु इसीलिए उसकी डेट्स बड़ी लंबी जा रही है। मैंने परसों एक मैट्रिमोनियल केस फाइल किया जिसकी तारीख 26/7/2021 गई है, और उसमें भी कुछ समनिंग नहीं होगी दूसरी पार्टी को, एक पेंडिंग रख लिया गया वो केस, ये नौबत है आजकल। पहले ही वो ये बोला जाता है कि इंडिया की जो न्याय प्रणाली है वो बहुत लंबी है, बहुत लंबे समय के बाद लोगों को न्याय मिलता है। अब ये बीच में कोरोना की वजह से सब बंद था, अभी एकदम से केस आए हैं, तो केस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि अब टाइम पहले जितना ही लगेगा या टाइम उससे भी दुगना होगा लोगों को न्याय? समय ज़्यादा लगेगा, पिछले ऑलरेडी पेंडेंसी बहुत ज़्यादा थी कि कुछ केसेस ये फाइल हुए, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे केस में तारीख गई 26/7/2021 और वो सिर्फ फाइल रख दी गई है, उस पर कोई भी आगे प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि केसेस का क्या हाल होगा। एक इंग्लिश में प्रोवर्ब है, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, कि जहाँ आपको देर से न्याय मिला तो इसका मतलब वो न्याय नहीं मिला आपको, तो केसेस का भी यही हाल होना है आगे। एक बार फिर मैं तरुण मदान आपके साथ हूँ, जिस एक गंभीर मुद्दे पर मैं बात करने के लिए यहाँ पर आया था, मैं चावला जी से बात करूँगा। चावला जी, आज के समय, मौजूदा समय में पारिवारिक कलह और पति पत्नी के बीच संबंध विच्छेद के मामले लगातार बढ़ते आ रहे हैं, इनके पीछे सबसे बड़ा कारण आप किसको मानते हैं? क्या जहाँ तक वैवाहिक मामलों का संबंध है, जहाँ तक मैं अपना 45 साल का अनुभव बता रहा हूँ, जो मैंने मैक्सिमम केसेस लड़े हैं वैवाहिक मामलों के, मैट्रिमोनियल केसेस, इसमें सबसे ज़्यादा जो है इसका मेन मुख्य कारण है पति और पत्नी में सहनशीलता और धैर्य की कमी। वो एक दूसरे को एडजस्ट नहीं करते, दोनों में ईगो है। अगर वो दोनों ही कहीं किसी कंपनी में लगे हुए हैं, दोनों ही बराबर की सैलरी ले रहे हैं, तो उन दोनों में अहम टकराता है, तो वहाँ उनको आपस में एडजस्टमेंट में बहुत दिक्कत आती है। दूसरा,
जैसे अभी प्रदीप जी ने बताया कि ये मोबाइल भी हमारा इसके लिए काफ़ी जिम्मेवार है, ये जो दूरदर्शन पे धारावाहिक आते हैं ना जी, वो भी इसके लिए जिम्मेवार है। आप जितने भी धारावाहिक देखें, एक धारावाहिक आया था उसको सुप्रीम कोर्ट ने 8 साल बंद, अपने आदेश से बंद किया था, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। धारावाहिक ये तो आ गया कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी, ये नहीं आया कि सास बहू भी कभी सास बनेगी, तो ये भी उसके कारण है। एक दूसरे के सहनशीलता न होना, और दूसरा वो संयुक्त परिवार नहीं रहे, इस कारण भी ये मुकदमे बढ़ रहे हैं। पहले संयुक्त परिवार में बड़े हमारे बूढ़े बुजुर्ग बिठा के समझाते थे, उनके एडजस्टमेंट कराते थे, और उनको उनका कुछ शर्म होती थी, लिहाज होती थी, तो वो झगड़े नहीं होते थे। तो संयुक्त परिवारों का ना होना, अब वो परिवारों में वो संस्कार भी नहीं रहे जो ये था। पहले ये था कि बेटी जहाँ तेरी डोली गई है वहीं से तेरी लाश, तेरी अर्थी उठनी चाहिए, वो बातें नहीं रही। जब तक वो बातें थी ये मामले कम थे, ऐसे संस्कार हमारे लुप्त होते जा रहे हैं, तो इसलिए ये मामले बढ़ते जा रहे हैं। चावला जी ने हमें स्पष्ट तौर पर बता दिया कि ये जो पति पत्नी के बीच में जो कलह के मामले हैं, इनके पीछे कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण अहम है, दोनों मियाँ बीवी का अहम आपस में टकरा जाता है, जो कि एक विवाद को जन्म देता है। इसके अलावा पहले जैसे संस्कार नहीं रहे, संयुक्त परिवार नहीं रहे, इसके अलावा मोबाइल और टीवी पर आने वाले जिनको कि फैमिली शोज़ भी कहा जाता है, जिनको टीवी सीरियल्स के माध्यम से भी कुछ ऐसी ऐसी बातें निकल कर सामने आ रही हैं जो इन परिस्थितियों को उत्पन्न कर रही हैं, जिससे पति पत्नी के बीच में तनाव बढ़ रहा है। पति पत्नी के बीच में झगड़े के मामले पहले भी आते थे, लेकिन अब वो संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कारण चावला जी ने हमें बता दिया। चावला जी, अगर इनसे बचना चाहिए, मतलब कि घरों के अंदर ऐसी बातें ना हों और एक परिवार संयुक्त परिवार की तरह रहे, मियाँ बीबी के, क्योंकि जो भी झगड़े मियाँ बीबी के होते हैं उनका जो दुष्प्रभाव है वो उनके होने वाले बच्चे, उनके पास जो उनके पास औलाद है उस पर पड़ता है। बच्चों पर माँ बाप के झगड़े की, बच्चों की मानसिक स्थिति पर क्या असर करता हुआ? माँ बाप के विवाद में, पारिवारिक विवाद में असली जो सफ़र करते हैं वो बच्चे करते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि मेरे पास एक केस आया जिसमें उनका 19 साल की लड़की थी और 20 साल का लड़का था, और उनकी सहमति से 13B में तलाक आया। जब सेशन कोर्ट में वो पेटिशन लेके गए, हम ज्वाइंट पेटिशन लेके गए, तो जज साहब ने जब पूछा तो कहने लगे चावला साहब इनका वो उसमें ये फैसला हुआ था कि बेटा बाप के पास रहेगा और लड़की माँ के पास रहेगी। माँ दिल्ली रह रही थी, जो पिता है वो करनाल रह रहा था। तो सेशन जज साहब ललित बत्रा जी थे, आजकल वो हाई कोर्ट में जज हैं, उन्होंने बहुत सुंदर बात कही। कहने लगे चावला साहब ये तलाक हस्बैंड और वाइफ का थोड़ी हो रहा है, ये तो बहन और भाई का हो रहा है। ये कभी ज़िंदगी में इन्होंने फिर नहीं मिलना आया, ये फ्यूचर असली जो है इनका ख़राब हो रहा है। तो असली जो सफ़र करता है वो बच्चे का, बच्चों का भविष्य करता है। अगर बच्चा माँ के पास जाए या पिता के पास जाए या उसे विजिटेशन राइट मिले, तो बच्चे की दिमागी हालत पे भी इस बात का बहुत फर्क पड़ता है। चावला जी ने बताया कि मियाँ बीवी के झगड़े में जो सबसे ज़्यादा सफ़र करता है वो उनकी औलाद करती है। इन्होंने हमें एक उदाहरण भी दिया जो इनके द्वारा, जो हमारे करनाल में एक जज थे, जज रह चुके हैं, उनके द्वारा जो निर्णय किया गया था उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया था कि यह मियाँ बीवी का तलाक नहीं है, बहन भाई का तलाक हो रहा है और भविष्य में इनके मिलने की कोई भी उम्मीद नहीं है। तो इनका ये, इनकी ये समाज से ये अपील है कि अपने आप मियाँ हो या बीवी हो, आप एक दूसरे को समझें, संयम में रहें। निर्मल जी, अब आखिरी सवाल आपसे, आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? इन मामले, ऐसे मामले ना बढ़ें, मियाँ बीबी के अंदर संयम रहे, और बच्चों की, जिस तरह से चावला जी ने बताया कि बच्चों की मनोस्थिति काफ़ी दुष्प्रभावित हो जाती है, काफ़ी प्रभावित होती है, उनकी मानसिक स्थिति खराब होनी शुरू हो जाती है, इस ऐसा सब ना हो और समाज में शांति बनी रहे, इसके लिए आप समाज से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं समाज से यही कहना चाहूँगा कि जितने भी नया यूथ है, जब उनकी शादी होती है तो उनको पेशेंस बरतना चाहिए शुरू में। ये नहीं है कि देखो किसी नए घर में जाएंगे वहाँ थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आजकल के बच्चों में पेशेंस नहीं है, वो एडजस्ट नहीं करना चाहते। उनको वहाँ जाके एडजस्ट करना चाहिए, और माँ बाप को भी उनको संस्कार देने चाहिए, बल्कि ना कि उनको सपोर्ट करें गलत काम के लिए, भाई तुम्हें तंग किया जा रहा है, ये किया जा रहा है, उसको समझाना चाहिए बेटा एडजस्ट करो अभी टाइम लगेगा। जबकि माँ बाप बहुत से ऐसे होते हैं कि वो एडजस्ट नहीं करने देते अपने बच्चों को, उनकी सपोर्ट करते हैं, वो सपोर्ट बंद करनी पड़ेगी। और जो अपनी जो बहू आती है घर में, लड़के वालों को भी चाहिए कि उसको बहू ना समझ के बेटी समझें, और लड़की वालों को भी चाहिए और अपनी लड़की को भी समझाएं, बेटी आप घर आपका वही है,
उनको ये सपोर्ट ना करे, कोई दिक्कत नहीं हम आपके साथ खड़े हैं, कुछ भी कर, उनको भी सपोर्ट नहीं करनी चाहिए गलत काम के लिए, उनको बल्कि ये सपोर्ट करनी चाहिए कि अपने माँ बाप हैं, ये तेरे माँ बाप हैं, आज के बाद आप इनके साथ एडजस्ट करो। तो मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि इसमें सभी अपना मिलजुल के पारिवारिक उसमें करके ज्वाइंट फैमिली सबके संस्कार लेकर अपनी फैमिली को बसाएं। जिन्होंने हमें भी बताया कि किस तरह से दोनों परिवार मिलजुल कर रह सकते हैं, बशर्ते कि दोनों परिवारों को संयम बरतना होगा, लड़का हो या लड़की एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, उनको करनी चाहिए, माता पिता को भी एडजस्ट करना चाहिए, माता पिता को बच्चों को समझना चाहिए, बच्चों को माता पिता की जो स्थिति है उनको समझना चाहिए, उसके बाद ही यह संभव हो पाएगा कि समाज में शांति कायम रह सके। मैं तरुण मदान, सीनियर कैमरा पर्सन सन्नी चौधरी, समाचार एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.